गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम रेस्पिरेशन जो है उसी की बात करेंगे। आगे थर्ड यूनिट हमने स्टार्ट कर दी थी। रेस्पिरेशन होता क्या है, इसका जो इंट्रोडक्टरी पोर्शन था हमने स्टार्ट कर दिया था। तो उसमें हमने देखा था कि रेस्पिरेशन होता क्या है, जनरल इंट्रोडक्टरी पार्ट क्या है, डेफिनेशन क्या है रेस्पिरेशन की, इक्वेशन क्या है, ठीक है। उसके अलावा हमने दो बेसिक टाइप देखे थे रेस्पिरेशन के, O2 की प्रेजेंस और एब्सेंस के बेसिस पर। मतलब O2 की उपस्थिति में होने वाले रेस्पिरेशन को हम क्या बोलते हैं और O2 के एब्सेंस में होने वाले रेस्पिरेशन को हम क्या बोलते हैं, ठीक है। दोनों में डिफरेंस क्या था ये भी हमने देख लिया था। अब आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट और साइट ऑफ रेस्पिरेशन, ठीक है। दोनों जो हैं बेसिक चीज़ें हैं रेस्पिरेशन से रिलेटेड, तो हमको इसके बारे में डिस्कस करना है आज। रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट क्या है, साइट ऑफ रेस्पिरेशन मतलब कि रेस्पिरेशन जो है उसकी प्रोसेस होती कहाँ पर है, और मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन की इंट्रोडक्टरी पार्ट है आज। उसके अलावा हमारे जो आगे के लेक्चर्स होंगे वो मैकेनिज्म पर ही बेस्ड होंगे। ये हमारा सिलेबस है Unit 3 का। सबसे पहला टॉपिक हम क्या पढ़ने वाले हैं, रेस्पिरेशन पढ़ने वाले हैं, ग्लाइकोलिसिस। जैसे कि मतलब जो हमारा जो पढ़ने का तरीका है उसमें हम पहले सिलेबस देखते हैं कि हम क्या पढ़ेंगे, ठीक है। तो सिलेबस अगर हम डिस्कस करें तो सबसे पहला जो हमारा मेन जो टॉपिक है इस यूनिट का वो है रेस्पिरेशन। उसमें हमको ग्लाइकोलिसिस पढ़ना है, क्रेब्स साइकिल पढ़ना है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम पढ़ना है। मतलब कि ये तीनों है क्या, ये तीनों रेस्पिरेशन के स्टेप्स हैं, ठीक है। स्टेप्स ऑफ रेस्पिरेशन है ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम एंड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। क्या होता है इसकी हम बात करेंगे। इसके अलावा फैक्टर्स अफेक्टिंग रेस्पिरेशन, ठीक है, सिंथेसिस एंड डिग्रेडेशन ऑफ फैटी एसिड, ठीक है। फैटी एसिड्स क्या होते हैं, वसीय अम्ल क्या होते हैं, इनका सिंथेसिस कैसे होता है, बनते कैसे हैं, इनका डिग्रेडेशन टूटते कैसे हैं, अगर इनका डिग्रेडेशन होता है तो क्या फॉर्म होता है, तो इन सब कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में हमको इस यूनिट में डिस्कस करना है। तो मेनली हम रेस्पिरेशन और फैटी एसिड्स के बारे में इस यूनिट में पढ़ेंगे, जिसमें से रेस्पिरेशन जो है हम स्टार्ट कर चुके हैं, ठीक है। तो हम देखते हैं आगे। सबसे पहले हमने रेस्पिरेशन के बारे में बात करी थी कि रेस्पिरेशन जो है वो क्या होता है। रेस्पिरेशन जो है उसमें ऑक्सीडेशन होता है किसी भी जो प्रोडक्ट है, मतलब कि फोटोसिंथेसिस में हम देखते हैं जनरली जो बनने वाला, फॉर्म होने वाला जो प्रोडक्ट होता है कार्बोहाइड्रेट, उसका क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है और एनर्जी जो है वो रिलीज़ होती है। किस फॉर्म में रिलीज़ होती है, कितनी एनर्जी रिलीज़ होती है, उसकी भी हमने बात करी थी कि अगर जो है जो आपका रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है, मतलब कि जो कार्बोहाइड्रेट है, उसका कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा तो एनर्जी जो है वो ज़्यादा रिलीज होगी, और अगर जो है कार्बोहाइड्रेट का कंप्लीट ऑक्सीडेशन नहीं होता है, इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होता है, मतलब कि जब O2 की एब्सेंस होगी तब क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट का इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होता है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, एनर्जी जो है वो कम बनती है, ठीक है। तो मेन जो प्रोडक्ट होता है वो इथाइल अल्कोहल बनता है। इन सब के बारे में हमने लास्ट क्लास के अंदर डिस्कस किया था। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सबस्ट्रेट एंड साइट ऑफ रेस्पिरेशन। तो दो बेसिक चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सबस्ट्रेट, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। सबसे पहले हम देखते हैं रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट क्या है। श्वसन क्रियाधार रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट मतलब कि होता है श्वसन क्रियाधार। अब क्या होता है श्वसन क्रियाधार, क्रियाधार का मतलब होता है ऐसा पदार्थ जिसके ऑक्सीडेशन से जो है वो एनर्जी रिलीज होती, मतलब श्वसन की क्रिया में प्रयुक्त होने वाला या श्वसन की क्रिया में ऑक्सीडाइज होने वाला, ऑक्सीकृत होने वाला ऐसा पदार्थ जिससे, जिसके फलस्वरूप या जिसके ऑक्सीडेशन के फलस्वरूप एनर्जी जो है वो रिलीज होती है। तो हमने देखा था कि प्लांट्स के अंदर जो मेन क्रियाधार है वो कौन है, कार्बोहाइड्रेट। सबसे जो मेन क्रिया, मेन हम बोल सकते हैं प्राइमरी, प्राथमिक क्रियाधार भी हम इसको बोल सकते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट। तो श्वसन की क्रिया में मेन जो हमारा रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट हम मानते हैं वो क्या है, कार्बोहाइड्रेट, क्योंकि फोटोसिंथेसिस के फलस्वरूप बनता है ग्लूकोज, ठीक है। तो उसी के ऑक्सीडेशन से एनर्जी जो है वो रिलीज होती है। तो रेस्पिरेशन की जो प्रोसेस होती है, अगर हम बात करें कि रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट क्या होता है, श्वसन क्रियाधार क्या होता है, तो ऐसा पदार्थ या ऐसा
जो है कंपोनेंट जिसके ऑक्सीडेशन से एनर्जी जो है वो रिलीज होती है। ठीक है, तो हम यहाँ पर जनरली क्या देखते हैं, हम यहाँ पर जनरली क्या देखते हैं कि कार्बोहाइड्रेट बनता है, और कार्बोहाइड्रेट को हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी सबस्ट्रेट, क्योंकि मेन सबस्ट्रेट रेस्पिरेशन की प्रोसेस का मेन सबस्ट्रेट कौन होता है, कार्बोहाइड्रेट या फिर ग्लूकोज। अगर हम अदर की बात करें कि कार्बोहाइड्रेट के एब्सेंस में ये कौन हो सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट नहीं हुआ तो क्या हो सकता है, प्रोटीन भी हो सकते हैं और फैट्स भी हो सकते हैं, जिनको मतलब प्रोटीन और वसाएं भी हो सकती है। श्वसन की क्रिया में सबसे जो मेन है वो क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। अगर कार्बोहाइड्रेट की अनुपस्थिति में बनने वाला है तो क्या हो जाएगा, फैट्स या फिर आपका प्रोटीन। तो फैट्स और प्रोटीन को हम सेकेंडरी मान सकते हैं, सेकेंडरी सबस्ट्रेट मान सकते हैं। ठीक है, अब इसके अलावा जो कार्बोहाइड्रेट से होने वाला रेस्पिरेशन है उसके लिए एक साइंटिस्ट थे ब्लैकमैन। ब्लैकमैन का वर्क जो है हमने देखा था काफ़ी ज़्यादा है डार्क रिएक्शन या फोटोसिंथेसिस के अंदर। तो ब्लैकमैन ने जो कार्बोहाइड्रेट या फिर फैट से होने वाला जो रेस्पिरेशन है उसके लिए एक टर्मिनोलॉजी यूज़ करी थी। इस प्रकार के रेस्पिरेशन को उन्होंने फ्लोटिंग रेस्पिरेशन बोला था, फ्लोटिंग रेस्पिरेशन, फ्लोटिंग का मतलब होता है तैरना। ठीक है, और प्रोटीन से होने वाले रेस्पिरेशन के लिए उन्होंने बोला कि प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन। ठीक है, तो प्रोटीन से होने वाले रेस्पिरेशन को तो उन्होंने क्या बोला, ब्लैकमैन ने बोला प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन। ठीक है, और वैसे ही कार्बोहाइड्रेट एंड फैट से होने वाले, इन दोनों से होने वाले रेस्पिरेशन के लिए उन्होंने क्या बोला, फ्लोटिंग रेस्पिरेशन। तो ये कुछ बेसिक बातें थी रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट से रिलेटेड। रेस्पिरेशन जो प्रोसेस है आपने देखा, जैसे सिलेबस में दे रखा है, सिलेबस में हमको क्या दे रखा है कि डायरेक्ट ग्लाइकोलिसिस, क्रैब्स और ETAs के बारे में दे रखा है। ठीक है, उसके अलावा फैक्टर्स अफेक्टिंग रेस्पिरेशन हमको देखना है। तो जब ग्लाइकोलिसिस या फिर ETAs ये सब पढ़ने से पहले आपको रेस्पिरेशन होता क्या है इसका बेसिक जो है ये सब आपको पता होना चाहिए कि रेस्पिरेशन की जो प्रोसेस है वो होती कहाँ है। जैसे हमने फोटोसिंथेसिस के अंदर देखा था, फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस है वो प्लांट की सेल के कौन से सेल ऑर्गेनल्स के अंदर हुई थी, तो हमने देखा क्लोरोप्लास्ट के अंदर हुई थी, और उसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है उन सब के बारे में हमने डिस्कस किया था। वैसे ही सिलेबस में जो पॉइंट है वो ऐसी बेसिक चीज़ें नहीं दे रखी है, डायरेक्ट ग्लाइकोलिसिस की बात है या डायरेक्ट क्रैब्स की बात है, तो हमको पहले ये देखना होगा कि ये सारी जो प्रोसेस है, ये सारी जो स्टेप्स है वो हो कहाँ रही है ना, कौन से सेल ऑर्गेनल के अंदर हो रही है, और इसका जो बेसिक है वो क्या है, बेसिक इंट्रोडक्टरी पार्ट है वो क्या है। इसी के लिए हमने देखा कि रेस्पिरेटरी जो सबस्ट्रेट है वो क्या होता है। ठीक है, हमने देखा प्राइमरी रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट हम किसको मानते हैं। ठीक है, क्यों मानते हैं, क्योंकि ज्यादातर बनने वाला फोटोसिंथेसिस के अंदर ज्यादातर बनने वाला प्रोडक्ट क्या है, ग्लूकोज। ठीक है, ये हम बात कर रहे हैं सेलुलर रेस्पिरेशन की, एरोबिक रेस्पिरेशन की, जहां पर O2 की प्रेजेंस में रेस्पिरेशन की जो प्रोसेस है वो होती है। ठीक है, O2 की प्रेजेंस में होने वाले रेस्पिरेशन को हम एरोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं, जहां पर कार्बोहाइड्रेट जो है वो फॉर्म होता है। ठीक है, इसके अलावा अगर इसके एब्सेंस में हम बात करें तो प्रोटीन्स और फैट्स भी हो सकते हैं। ब्लैकमैन ने प्रोटीन के कारण होने वाले रेस्पिरेशन को ये नाम दिया था प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन, और फैट्स और कार्बोहाइड्रेट के कारण होने वाले रेस्पिरेशन को क्या बोला उन्होंने, तो फ्लोटिंग रेस्पिरेशन। तो ये कुछ बेसिक बातें हैं अबाउट रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। हम इसकी स्लाइड देख लें एक बार, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, ऑर्गेनिक material that are oxidized in respiration and expel energy are called respiration। मतलब कि ऐसे कार्बनिक पदार्थ जो श्वसन की क्रिया में ऑक्सीकृत होकर के ऊर्जा का निष्कासन करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, श्वसन के क्रियाधार। ठीक है, सो फैट्स इन ऑयली सीड्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर रेस्पिरेशन, बट इन दीज फैट्स आर फर्स्ट कन्वर्टेड इंटू कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, कई बार जो होते हैं जो ऑयली सीड्स होते हैं उनको छोड़ के हम बात करें तो बाकी सारे प्लांट्स में कार्बोहाइड्रेट ही मेन जो है वो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट माना जाता है।
ठीक है। तो इन एडिशन प्रोटीन्स एक्ट एज रेस्पिरेशन ओनली इन एब्सेंस ऑफ फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट, मतलब कि फैट और कार्बोहाइड्रेट अगर एब्सेंट हैं तो ऐसी कंडीशन में ही प्रोटीन जो है एज अ रेस्पिरेटरी सब्स्टिट्यूट काम जो है वो करता है। ब्लैकमैन कॉल्ड द रेस्पिरेटरी एक्टिविटी इन विच फैट एंड कार्बोहाइड्रेट आर फ्लोटिंग रेस्पिरेशन, मतलब कि जो है आपका फैट और कार्बोहाइड्रेट के कारण होने वाले रेस्पिरेशन को ब्लैकमैन ने क्या कहा था, फ्लोटिंग रेस्पिरेशन, ठीक है। एंड व्हेन प्रोटीन्स आर इनहेल्ड दे आर कॉल्ड प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन, और जब प्रोटीन रेस्पिरेटरी सब्स्ट्रेट की तरह काम करते हैं तो वो क्या कहलाते हैं, प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन, ठीक है। अब हम बात करते हैं साइट ऑफ रेस्पिरेशन की, रेस्पिरेटरी साइट क्या होती है, ठीक है। रेस्पिरेशन की जो साइट है हमको अब ये पढ़नी है कि रेस्पिरेशन की प्रोसेस है वो सेल के कौन से सेल ऑर्गेनल के अंदर होती है, ठीक है। तो साइट ऑफ रेस्पिरेशन क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। जैसा कि हमने फोटोसिंथेसिस में देखा था, साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या थी, तो आपकी क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट में ही पिगमेंट उपस्थित थे और वही पिगमेंट जो है वो लाइट एब्जॉर्ब करके कार्बोहाइड्रेट जो है वो बना रहे थे, ठीक है। तो अब हमने बोला कि जो रेस्पिरेशन की जो प्रोसेस है वो हो रही है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, तो सबसे पहले हम देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर किस प्रकार का होता है।
माइटोकॉन्ड्रिया जो है हमारा वो डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है। डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर का मतलब जैसा दो मेम्ब्रेन होगी उसके स्ट्रक्चर के अंदर, ठीक है। तो पहले हम देख लेते हैं क्या क्या मेन मेन चीज़ें होती है इसके अंदर। ये हमारा माइटोकॉन्ड्रिया का जनरल बेसिक स्ट्रक्चर, ठीक है। अब माइटोकॉन्ड्रिया का जो स्ट्रक्चर है वो जनरली कैसा होता है, पहले हमने बोला कि साइट ऑफ रेस्पिरेशन है माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। साइट ऑफ रेस्पिरेशन कौन है? माइटोकॉन्ड्रिया। तो सबसे पहली बात, हम क्यों बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को रेस्पिरेशन की साइट? क्योंकि रेस्पिरेशन की जो दो मेन स्टेप होती हैं जैसे कि क्रैब साइकिल और ईटीएस जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही कंप्लीट होती है। तो हम इसको क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पर क्या क्या होता है, एक तो क्रैब साइकिल क्या होता है इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे, हम तीनों साइकिल के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा ईटीएस या फिर हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम के टाइम पे जो एटीपी का फॉर्मेशन होता है वो भी यहीं पर होता है, ठीक है। तो ये जनरली है, इसीलिए हम माइटोकॉन्ड्रिया को साइट ऑफ रेस्पिरेशन बोलते हैं। मतलब कि जो रेस्पिरेशन की तीन मेन स्टेप्स होते हैं, पहला ग्लाइकोलिसिस, दूसरा क्रेब्स और तीसरा ईटीएस, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में क्या होता है कि जो एनर्जी जो है ना एटीपी के फॉर्म में वो बनती है। तो ये सारी प्रोसेस में से दो मेन प्रोसेस क्रैब्स और ईटीएस तो इसके अंदर होती है, और बाकी ग्लाइकोलिसिस जो है वो होती है आपकी साइटोप्लाज्म के अंदर, ठीक है। तो ये दो मेन बात हो गई, इसीलिए हम माइटोकॉन्ड्रिया को एज अ रेस्पिरेटरी साइट जो है वो मानते हैं। अब रेस्पिरेटरी साइट या माइटोकॉन्ड्रिया का जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर दो मेम्ब्रेन होती हैं, आउटर और इनर मेम्ब्रेन, ठीक है। आप देख सकते हैं बाहरी जो मेम्ब्रेन है वो तो आउटर मेम्ब्रेन हो गई और इनर मेम्ब्रेन हो गई। इन दोनों के बीच का जो स्पेस होता है ये वाला, ये कहलाता है पेरी मेम्ब्रेनल स्पेस, ठीक है। आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच के स्पेस को हम क्या बोलते हैं? पेरी मेम्ब्रेनल स्पेस, जो कि 40-70 एंगस्ट्रॉम वाइड होता है, चौड़ा होता है, ठीक है। दो मेम्ब्रेन हो गई, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन, और पेरीप्लाज्मल या पेरी मेम्ब्रेनल स्पेस 40-70 एंगस्ट्रॉम का जो है इसकी चौड़ाई जो है वो होती है। इसके अलावा हम बात करें, आउटर मेम्ब्रेन जो होती है वो तो फ्लैट होती है, सतत होती है। आउटर मेम्ब्रेन जो है वो फ्लैट होती है, मतलब कि कोई भी इसमें नहीं तो कोई उभार होता है या कहीं से भी कुछ भी, एकदम समतल होती है, प्लेन होती है। जबकि इनर मेम्ब्रेन जो है वो फोल्ड्स में डिवाइडेड होती है, मतलब कि ये जो फोल्ड्स बनते हैं वो इनर मेम्ब्रेन के ही फोल्ड्स हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये जो इनर मेम्ब्रेन है वो इस तरीके से फोल्ड्स में डिवाइडेड होती है। इन फोल्ड्स को हम बोलते हैं क्रिस्टी। इनर मेम्ब्रेन जो है वो कुछ फोल्ड्स में डिवाइडेड होती है, कुछ फोल्ड्स में मतलब इस तरीके के फोल्ड्स जो हैं वो इनर मेम्ब्रेन के अंदर पाए जाते हैं, एम्बेडेड रीजन, ठीक है। इनको हम बोलते हैं क्रिस्टी, और क्रिस्टी का माइटोकॉन्ड्रिया में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। सिंगुलर जो है वो क्रिस्टा कहलाता है, प्लूरल जो है वो क्रिस्टी, ठीक है। तो इस प्रकार से ये जो इनर मेम्ब्रेन थी, ठीक है, इसके जो स्पेस है इस प्रकार से ये जो है वो इस तरीके से एम्बेडेड थी, ठीक है। ये जो इनर मेम्ब्रेन है इसके फोल्ड्स को हम क्रिस्टी बोलते हैं, सिंगुलर जो होता है वो क्रिस्टा कहलाता है।
अब ये क्रिस्टी क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्रिस्टी भी डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, ठीक है, मतलब कि ये जो पूरा स्ट्रक्चर है हमारा, ठीक है, ये भी डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है क्रिस्टी वाला भी, दो मतलब आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन इसमें भी प्रेजेंट है, इनके बीच के स्पेस को इंटर क्रिस्टल स्पेस कहते हैं, ठीक है, ये दो मेम्ब्रेन है तो इनके बीच के स्पेस को हम क्या बोलते हैं, इंटर क्रिस्टल स्पेस, ठीक है। तो दो, पहले तो हमने माइटोकॉन्ड्रिया की डबल मेम्ब्रेन की बात करी, आउटर और इनर, और इसके बीच के स्पेस को इंटर मेम्ब्रेनल स्पेस बोला, इसके बाद हमने क्रिस्टी की डबल मेम्ब्रेन की बात करी, आउटर और इनर, और इन दोनों के बीच के स्पेस को इंटर क्रिस्टल स्पेस बोला। अब हमने बोला कि माइटोकॉन्ड्रिया का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है क्रिस्टी, क्योंकि यहाँ पर क्रिस्टी की जो इनर सरफेस होती है, भीतरी सतह होती है, उस पर कुछ विशेष प्रकार के पार्टिकल्स या फिर कण उपस्थित होते हैं, इन कणों को हम बोलते हैं F1 पार्टिकल, ठीक है। ये जो क्रिस्टी है इसकी भीतरी सतह पर कुछ विशेष प्रकार के कण जो है वो पाए जाते हैं, जैसे हम बात करें इस प्रकार का स्ट्रक्चर है तो इस तरीके से पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं इसकी इनर सरफेस पर, इन पार्टिकल्स को हम बोलते हैं F1 पार्टिकल्स या फिर ऑक्सीसोम्स, ठीक है। इन पार्टिकल्स को हम क्या बोलते हैं, F1 पार्टिकल या फिर ऑक्सीसोम्स, ठीक है। क्रिस्टी की भीतरी सतह पर पाए जाने वाले पार्टिकल या कणों को हम F1 पार्टिकल बोलते हैं या फिर ऑक्सीसोम बोलते हैं। अब ये पार्टिकल्स का विशेष रोल होता है इसके अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, क्योंकि इन्हीं F1 पार्टिकल्स के अंदर ही आपके इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट के समय, इलेक्ट्रॉन के परिवहन के समय, जब हम पढ़ रहे थे कि हमने दो मैकेनिज्म की बात करी है कि क्रैब्स और ETS इसके अंदर होता है, तो ये ETS जो है वो इसी में जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट होता है तब ATP का जो फॉर्मेशन होता है वो करते हैं। तो F1 पार्टिकल का मेन रोल क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट के समय ATP का फॉर्मेशन करना। तो इसीलिए ये क्रिस्टी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है माइटोकॉन्ड्रिया का, ठीक है। तो हमने बात कर ली क्रिस्टी के अंदर F1 पार्टिकल होते हैं जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट के समय ATP का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है, जिनको हम ऑक्सीसोम भी बोलते हैं। तो ये तो बात हो गई क्रिस्टी की, अब हम बात करते हैं मैट्रिक्स की। ये मैट्रिक्स क्या होता है, जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसका जो स्ट्रक्चर है उसमें जो आंतरिक सतह मतलब इनर जो मेम्ब्रेन होती है उसमें एक लिक्विड होता है, एक फ्लूइड होता है, उस लिक्विड फ्लूइड को हम मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है। मैट्रिक्स जो है वो एक प्रोटीनियस फ्लूइड होता है, ठीक है, प्रोटीन पार्ट होता है माइटोकॉन्ड्रिया का, प्रोटीन पार्ट, ठीक है। मैट्रिक्स जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया का प्रोटीन पार्ट होता है और लिक्विड होता है, और इसी मैट्रिक्स, अब मैट्रिक्स क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी मैट्रिक्स के अंदर रेस्पिरेशन से रिलेटेड जितने भी एंजाइम्स हैं या फिर NAD, FAD, RNA, DNA, राइबोसोम्स, जितने भी जो मेन ऑर्गेनल्स हैं वो यहीं पर पाए जाते हैं। तो मैट्रिक्स क्यों इंपॉर्टेंट है, मैट्रिक्स जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया का प्रोटीनियस पार्ट होता है, लिक्विड फ्लूइड होता है, जिसमें रेस्पिरेशन से रिलेटेड जितने भी आपके एंजाइम्स है ना, जो भी एंजाइम्स जो आगे काम आएंगे, जो ग्लाइकोलिसिस, क्रैब्स, ETS में काम आने वाले जितने भी एंजाइम्स हैं उनका फॉर्मेशन या उनका जो है वो रहते का वो कहाँ बनते हैं, तो मैट्रिक्स के अंदर बनते हैं, NADA, FAD, ठीक है। इसके अलावा कोएंजाइम्स हैं, उसके अलावा DNA, RNA, राइबोसोम, सभी का फॉर्मेशन कहाँ होता है, सभी कहाँ पर पड़े रहते हैं, तो इसी मैट्रिक्स में पड़े रहते हैं। तो इस प्रकार से ये मेन स्ट्रक्चर होता है माइटोकॉन्ड्रिया का, और इसमें जो आउटर और इनर मेम्ब्रेन होती हैं वो लिपोप्रोटीन की बनी होती है, लिपिड्स और प्रोटीन की, तो इन दोनों का फॉर्मेशन जो होता है वो लिपो प्रोटीनियस होता है, आउटर और इनर दोनों, आउटर तो होती है फ्लैट और इनर होती है एम्बेडेड या फिर फोल्डिंग्स प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम क्रिस्टी बोलते हैं। तो इस प्रकार से एक माइटोकॉन्ड्रिया का जो है वो स्ट्रक्चर होता है जिसमें रेस्पिरेशन की जो प्रोसेस है वो कंप्लीट होती है, ठीक है, रेस्पिरेशन की दो साइकिल्स कंप्लीट होती है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने देखा ये। इसके अलावा जो है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हमने बोला कि इसकी जो मेम्ब्रेन्स है वो लिपोप्रोटीन की बनी होती हैं, ठीक है, मेन जो पार्टिकल्स होते हैं उसकी बात करी हमने, हम PPT में देख लें, साइट ऑफ रेस्पिरेशन, द मेजर साइट ऑफ रेस्पिरेशन इन यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, ठीक है, ये यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म की बात हो रही है,
ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन इज माइटोकॉन्ड्रिया. ठीक है, मेन जो साइट है एरोबिक रेस्पिरेशन का यूकेरियोट्स के अंदर वो क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया. ठीक है, टू मेजर फेजेस ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन नेमली द क्रेब साइकिल एंड द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम कम्प्लीट्स इन माइटोकॉन्ड्रिया. मतलब कि जो रेस्पिरेशन की दो इम्पॉर्टेंट फेज है वो यहीं पर कम्प्लीट होती है, क्रेब साइकिल और ETS. माइटोकॉन्ड्रिया इज अ सेल ऑर्गेनल सराउंडेड बाय डबल मेम्ब्रेन कॉल्ड द आउटर लेयर एंड द इनर लेयर रेस्पेक्टिवली. माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर होता है और दोनों मेम्ब्रेन को हम आउटर लेयर और इनर लेयर जो है वो कहते हैं. बोथ मेम्ब्रेन्स आर मेड अप ऑफ लिपोप्रोटीन, लिपिड्स और प्रोटीन से मिलकर बनी होती है, जैसा कि हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर भी इसके स्ट्रक्चर देखते हैं. ठीक है, द स्पेस बिटवीन टू लेयर्स इज कॉल्ड पेरी मेम्ब्रेनल स्पेस. ठीक है, पेरी मेम्ब्रेन स्पेस 40 to 70 एंगस्ट्रॉम जो है वो वाइड होता है. एक्सटर्नल लेयर इज स्ट्रेट वाइल द इनर मोस्ट लेयर इज स्प्रेड इन द इंटरविनिंग ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इरेग्युलर बस्ट एंड और फोल्ड्स. मतलब कि आंतरिक जो लेयर है उसकी इनर लेयर जो है वो इस तरीके से स्प्रेड होती है, फोल्डेड में फोल्ड्स बनाती है. ठीक है, दिस फोल्ड्स आर कॉल्ड क्रिस्टी, इनको क्रिस्टी कहा जाता है इन फोल्ड्स को, या फिर क्रिस्टा. ठीक है, और नेक्स्ट हम देखें तो सिंगुलर जो है वो क्रिस्टा. स्पेस बिटवीन टू लेयर्स ऑफ क्रिस्टी इज कॉल्ड इंटर क्रिस्टल स्पेस. ठीक है, दो क्रिस्टी के बीच में जो स्पेस होता है उसको हम इंटर क्रिस्टल स्पेस कहते हैं. ठीक है, देयर आर मैनी क्लोज पार्टिकल ऑन द सर्फेस ऑफ इंटीरियर ऑफ क्रिस्टी. क्रिस्टी की आंतरिक सतह पर बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं, दोज आर कॉल्ड F1 पार्टिकल्स, एलिमेंट्री पार्टिकल्स और ऑक्सीजोम्स. इन पार्टिकल्स को हम F1 पार्टिकल या एलिमेंट्री पार्टिकल या ऑक्सीजोम कहते हैं. ठीक है, द इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसपोर्टेड इन थ्री इन दिस पार्टिकल्स फॉर्मिंग ATP. मतलब कि ये इलेक्ट्रॉन जो है वो जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट के टाइम पे, ठीक है, यही इलेक्ट्रॉन जो है वो ATP का फॉर्मेशन करते हैं. ठीक है, ये इसका हिंदी फॉर्म है. साइट ऑफ रेस्पिरेशन में आगे देखें इसके मतलब जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसका स्ट्रक्चर की. द इनर स्पेस ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड द मैट्रिक्स, इट इज मेड अप ऑफ द लिक्विड एंड सेमी प्रोटीन पार्ट. ठीक है, प्रोटीनियस पार्ट हम जनरली बोलते हैं इसको, लिक्विड पार्ट होता है ये. मैट्रिक्स जो है वो आंतरिक जो स्पेस है, इनर स्पेस जो है वहाँ पर उपस्थित होता है. इट कंटेन्स वेरियस एंजाइम्स, बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं इसके अंदर. कोएंजाइम्स हैं NADP, ठीक है, ADP, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, ठीक है, निकोटिनेमाइड, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट. तो ये कुछ जो है ये कोएंजाइम्स जो होते हैं वो इसके अंदर उपस्थित होते हैं. इलेक्ट्रॉन कैरियर्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन कैरियर मतलब जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होता है उसको ग्रहण करने वाले जो ग्राही होते हैं वो भी मैट्रिक्स के अंदर उपस्थित होते हैं. DNA एंड RNA रिलेटेड टू रेस्पिरेशन जो भी हैं, सब जो है रिलेटेड चीज़ें जितनी भी हैं रेस्पिरेशन से वो इसी मैट्रिक्स के अंदर उपस्थित होती हैं. माइटोकॉन्ड्रिया आर कंसिडर्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल बिकॉज दे प्रोड्यूस एनर्जी कॉइंस इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी या ATP. मतलब कि सभी को पता है माइटोकॉन्ड्रिया जो है उसको कोशिका का शक्ति ग्रह, पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है, क्योंकि ये जो है वो ATP के रूप में ऊर्जा का उत्पादन करते हैं. ठीक है, ये स्ट्रक्चर है माइटोकॉन्ड्रिया का, हम देख सकते हैं इनर स्पेस जो है ये राइबोसोम्स, ग्रैन्यूल्स, मैट्रिक्स, फ्लूइड, लिक्विड पार्ट, ये जो है आपका ये आपके क्रिस्टी हैं. ठीक है, जो एम्बेडेड रीजन है, आंतरिक संरचना जो है या आंतरिक मेम्ब्रेन जो है उसका, मैट्रिक्स, ATP सिंथेसिस पार्टिकल्स जितने भी हैं. ठीक है, DNA, क्योंकि ये लिक्विड जो है वो मैट्रिक्स के अंदर, ये मैट्रिक्स के अंदर ही DNA, ग्रैन्यूल्स, RNA आप सब देख सकते हैं, ये मैट्रिक्स के अंदर ही लिक्विड फॉर्म में पड़े हुए रहते हैं. DNA हो गया, आउटर मेम्ब्रेन, ठीक है, ये बाहरी जो लेयर है वो जो सतत होती है, प्लेन होती है, ये इनर मेम्ब्रेन है, इसी में क्रिस्टीज जो हैं वो उपस्थित होते हैं. तो ये फोल्ड्स को हम क्रिस्टी बोलते हैं और इसके अंदर तरल को हम मैट्रिक्स बोलते हैं. ठीक है, इसकी जो लंबाई और चौड़ाई दे रखी है 0.1 to 0.5 μm, 1 to 2 μm. ठीक है, तो इस प्रकार से एक स्ट्रक्चर होता है माइटोकॉन्ड्रिया का, जिसमें ये सारी चीज़ें जो हैं वो उपस्थित होती हैं. मेन मेन पार्ट्स की हमने बात करी. ठीक है,
नेक्स्ट हम बात करते हैं श्वसन की क्रियाविधि। यहाँ पर हम केवल नाम ही देखेंगे क्या क्या चीज़ें होती है रेस्पिरेशन के अंदर या रेस्पिरेशन रेस्पिरेटरी स्टेप्स क्या क्या होती हैं, इसके हम आगे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तो सबसे पहले जैसे हम बात करते हैं रेस्पिरेशन की, हमने सबस्ट्रेट की बात कर ली, हमने इंट्रोडक्शन की बात कर ली, हमने इसके जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे उसकी बात कर ली, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कि जो मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन क्या होती है, रेस्पिरेशन की जो प्रोसेस है वो कैसे होती है। तो मैकेनिज्म हम सिर्फ आज जनरल बेसिक चीज़ें देखेंगे, उसके अलावा मतलब कि जो रेस्पिरेशन की मैकेनिज्म से रिलेटेड क्या क्या होता है उसकी बात करेंगे। नेक्स्ट हम इन सब के बारे में डिटेल में देखेंगे। तो सबसे पहली बात जो थी वो क्या थी, रेस्पिरेशन के अंदर अगर हम मैकेनिज्म की बात करें तो मैकेनिज्म का मतलब क्या होता है। मैकेनिज्म का मतलब होता है रेस्पिरेशन की जो प्रोसेस है वो कितने चरणों के अंदर, कितने स्टेप्स के अंदर कंप्लीट होती है। तो रेस्पिरेशन के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट का ऑक्सीडेशन होता है, हमने देखा कि रेस्पिरेशन के अंदर कार्बोहाइड्रेट जो है उनका ऑक्सीडेशन के फलस्वरूप एनर्जी जो है वो रिलीज होती है। तो उसके तीन स्टेप्स होते हैं, फर्स्ट इज ग्लाइकोलिसिस, ठीक है। यहाँ पर हमने देखा था तीन स्टेप कौन कौन से होते हैं। सबसे पहला होता है हमारा ग्लाइकोलिसिस, दूसरा है क्रेब्स साइकिल और थर्ड है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ठीक है। इस तरीके से तीन चरणों के अंदर रेस्पिरेशन की जो प्रोसेस है वो कंप्लीट होती है ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स और ईटीएस के अंदर, ठीक है। और एट द एंड एनर्जी जो है वो रिलीज होती है, जैसा कि हमने देखा F1 पार्टिकल जो है वो ATP सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। तो इस प्रकार से ये जो हमारा बेसिक इंट्रोडक्टरी पोर्शन है, ठीक है, रेस्पिरेशन से रिलेटेड। लास्ट हम इसकी एक स्लाइड देख लेते हैं, श्वसन की क्रियाविधि मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन। तो ऑक्सीडेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस इन रेस्पिरेटरी क्रिएट्स CO2 एंड वाटर एज वेल एज रिलीज ऑफ एनर्जी। मतलब श्वसन की जो क्रिया है उसमें जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर होता है, कार्बनिक पदार्थ होता है, उसके ऑक्सीकरण से, ऑक्सीडेशन से CO2 और जल का निर्माण होता है और इसी के साथ में एनर्जी जो है वो रिलीज होती है। तो श्वसन की जो प्रक्रिया है वो तीन चरणों में पूरी होती है, ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स और ATS। हम आगे के जो लेक्चर होंगे हमारे उसमें देखेंगे ग्लाइकोलिसिस क्या होता है, ठीक है, पाइरूविक एसिड का फॉर्म होना, ये सब चीज़ें क्या होती हैं इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, साइकिल्स फ्लोचार्ट्स भी हम इसके देखेंगे, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही, रेस्पिरेटरी साइट और रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट के बारे में हमने आज डिस्कस किया, ठीक है। थैंक यू।